हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 11, लाइट शैडो एंड इट्स रिफ्लेक्शन. सो टुडे इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जेक्ट्स विच आर ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच इज अ पार्ट ऑफ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक फर्दर. द नेक्स्ट इज the remaining two types of non-luminous object. There are basically three types of non-luminous object. First one was transparent object, second is opaque object, third is translucent object. तो transparent object के बारे में बेटा हमने last video में देख लिया था. आज हम उससे आगे देखते हैं opaque object. तो opaque, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, opaque क्या होता है बेटा? जिसके आर पार आप नहीं देख सकते. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार आपकी लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी आपकी दीवार है, आपकी टेक्स्ट बुक है, आपका घर का दरवाजा है, ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट में आएंगे. देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको डोर दिखाई भी दे रहा है बेटा. इस डोर के आर पार आपकी लाइट नहीं जा सकती. आप अपने डेली लाइफ में कोई भी एग्जांपल इसे रिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है बच्चे ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट. तो ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे आपको ना तो क्लियरली विजिबल होता है और ना ही क्लियरली वो आपका ओपेक होता है. तो ऐसी स्टेट जिसमें आप ये कह सकते हो कि ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बीच का सीन है, तो वो जो केस होता है वो हमारा क्या लगता है बेटा? ट्रांसल्यूशेंट. तो आप कहेंगे जिसमें हमारा ब्लर करके इमेज दिखाई देती है वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट. तो ब्लर करके जो दिखाई देगी उसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं बेटा? मटेरियल्स विच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट. ऐसे मटेरियल जिनसे हम कुछ लाइट को पास होने के लिए अलाउ कर देते हैं. ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट. जैसे हम बोलेंगे स्मोक ग्लास या फिर आपका बटर पेपर, ये सारे क्या होते हैं बेटा? ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट होते हैं. तो हमने बेसिकली तीन टाइप के नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करी है. फर्स्ट है हमारा क्या? ट्रांसपेरेंट, दूसरा ओपेक, थर्ड इज ट्रांसल्यूशेंट. ट्रांसपेरेंट वो था बेटा जिससे आपको क्लियरली नजर आता है, ओपेक वो था जिससे कुछ नहीं नजर आता है, ट्रांसल्यूशेंट वो था जिससे आपको ब्लर करके इमेज दिखाई देती है. नेक्स्ट हमारा आता है शेडो क्या होती है. सो शेडो आर डार्क रीजन्स फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट. शेडो क्या होती है बेटा? एक डार्क रीजन होता है जिसमें ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में बीच में आ जाता है. जैसे आपका आप बात करते हो ट्यूबलाइट की, ट्यूबलाइट आपने ऑन करी, आप क्या किया, लाइट आपकी सारी डायरेक्शंस में जा रही है, लेकिन आप जो खुद है क्या आपके आर पार लाइट जा सकती है? नहीं. तो आप कैसे ऑब्जेक्ट होंगे? क्या ओपेक ऑब्जेक्ट होगी. तो अगर लाइट के पाथ के बीच में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो केस आपका क्या होगा कि वहां से लाइट ब्लॉक हो जाएगी. वो लाइट चाहेगी कि मैं इधर उधर से आगे निकल के जाऊं, तो लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है. तो जहां पर आपके उस ओपेक ऑब्जेक्ट की सामने का पोर्शन होगा वो डार्कनेस में रहेगा, वहां पर आपकी कोई लाइट नहीं होगी. तो वो जो डार्कनेस वाला रीजन है दैट इज बेसिकली नोन एज शेडो. दिस फॉर्मेशन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज लाइट ट्रेवल्स ओनली इन स्ट्रेट लाइन. ये कैसे होता है बेटा? ये पॉसिबल कब होता है? क्योंकि जो आपकी लाइट है वो केवल स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो करती है. इसीलिए जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट उसके पाथ के बीच में आता है तो लाइट अपने पाथ को चेंज कर लेती है. इसी की वजह से लाइट का जो हमारा शेडो है वो फॉर्म होता है. तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज आइडिया लगा. नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे पिन होल कैमरा के बारे में. थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू.